नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आजकल किस कंपनी की कारें 3 लाख रुपए तक में आ रही हैं। इस जानकारी के साथ यह भी देखें कि इनका माइलेज यानी प्रति लीटर पेट्रोल से कितने किलोमीटर चलती हैं। दोस्तों, आजकल 3 लाख से महंगी बाइक आ रही हैं। आइए जानते हैं पहली कार कौन सी है। नंबर 1, रेनॉल्ट ने डेटसन रेडीगो नाम से एक छोटी कार बाज़ार में उतारी है। यह कार 3 लाख रुपए में खरीदी जा सकती है। इस कार की शुरुआती कीमत 2,80,000 रुपये है। इस कार में 800 सीसी का पेट्रोल इंजन लगाया गया है। यह 54 PS का पावर करता है। 800 सीसी इंजन वाली रेडसन गो का माइलेज 22.7 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसमें EBD के अलावा ABS, ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड वार्निंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स इसके सभी वेरिएंट में दिए गए हैं। नंबर 2, मारुति ऑल्टो। देश की सबसे सस्ती कार उतारने का रिकॉर्ड मारुति के नाम ही है। मारुति ने मारुति 800 नाम से देश की सबसे सस्ती और अच्छी कार को बाज़ार में उतारा था। यह कार आज भी लाखों लोगों के पास है, लेकिन जहां तक 3 लाख रुपए से कम की बात है तो मारुति की ऑल्टो इस रेंज में उपलब्ध है। मारुति ऑल्टो की शुरुआत कीमत 2,90,000 रुपये है। इस कार का माइलेज 22.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। ऑल्टो कार में 796 सीसी का इंजन लगाया गया है। EBD के साथ ABS, ड्राइवर साइड एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में दिए गए हैं। नंबर 3, रेनॉल्ट की एक और कार क्विड भी 3 लाख रुपए से कम में उपलब्ध है। रेनॉल्ट ने क्विड का नया मॉडल भी हाल में जारी किया है। इसकी शुरुआती कीमत 2,83,000 रुपये है। इस नई क्विड में 799 सीसी का पेट्रोल इंजन लगाया गया है। जहां तक माइलेज की बात है तो इस नए मॉडल का माइलेज 25.17 किलोमीटर पर लीटर है। इस नई क्विड के सभी वेरिएंट में ड्राइवर साइड एयरबैग, EBD के साथ ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। धन्यवाद।